तो लास्ट टाइम हम लोग एक ये वाली प्रॉब्लम में थे, अगर तुम्हें याद होगा। नहीं, हर्ष, आजकल मैं से दिल्ली में आ गया हूँ। ये ए था, ये बी था, ये सी था, और इस टाइप से बताया था मैंने। याद है ना, ये था, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। और मेरे ख्याल से ये मैंने प्रूव कर दिया था कि ये मान लो I1 है। I1 तो था A के इक्वल, और ये मान लो I2 है। I2 था C के इक्वल। बताओ ये याद है कि नहीं है? ये M था, ये N था, क्यों? यहीं पे थे मेरे ख्याल से, क्यों? हर्ष बता, यहीं पे थे ना हम लोग, इतना ही किया था ना। ये था, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन ये पूछा था कि म्यू की मिनिमम वैल्यू पूछी थी कितनी हो, कि एम और एन दोनों जगह पर TIR हो जाए। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन था। ए और सी को एडजस्ट करके तुम्हें म्यू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सो दैट कि एम और एन दोनों जगह पे क्या हो जाए, TIR हो जाए। अब सुनो क्या है, मान लो स्टूडेंट वन है, उसने क्या किया कि ए को मान लो 60 डिग्री रख दिया, तो फिर इसको सी को 30 डिग्री रखना पड़ेगा, नहीं है? इन दोनों का सम 90 है ना। अब आप ये बताओ कि वो दोनों जगह पर TIR चाहता है, TIR @M&N, ये चाहता है, और उसमें से एक जगह उसको जो एंगल मिल रहा है I1, वो ए के इक्वल था, मीन 60 डिग्री मिल रहा है, और दूसरी जगह पे जो I2 मिल रहा है वो C के इक्वल है, जिसका उनका 30 डिग्री है। तो बताओ इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, बताओ। एक बार दोबारा सुन लो, फर्स्ट स्टूडेंट ने A को 60 डिग्री रखा और C को 30 डिग्री रखा, और वो M और N दोनों जगह TIR चाहता है, उसमें से जो I1 है वो A के इक्वल है, इसका मतलब 60 डिग्री है, I2 C के इक्वल है, मीन्स 30 डिग्री है, तो उसका क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए होता, ताकि यहां भी, हाँ गुड, ताकि यहां भी TIR हो जाए और यहां भी TIR हो जाए। थीटा से बिल्कुल सही कहा, इनसे छोटा होना चाहिए ना, इनसे छोटा, तो जो तू कह रहा है तन्मय कुछ ऐसा होना चाहिए 29.999 एंड सो ऑन, इतने डिग्री होना चाहिए, क्यों? समझ में आ रहा है? बताओ, जो 29.9999 इतना डिग्री होना चाहिए, जिसको तुम अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री ही कह सकते हो, क्यों? अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री कह सकते हो, और इतना क्रिटिकल एंगल रखने के लिए उसने मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिया, ये तो स्टूडेंट वन की कहानी होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट टू की कहानी। उसने क्या किया, ए को 50 डिग्री रखा और सी को 40 डिग्री रखा, इसका मतलब उसको I1 मिला 50 डिग्री और I2 मिला 40 डिग्री,
और वो दोनों जगह पे TIR जा रहा है, ध्यान रखना दोनों जगह पे TIR जा रहा है, तो इसका मतलब उसको जो क्रिटिकल एंगल रखना पड़ेगा वो 39.9999 एंड सो ऑन इतना डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये फिर ये वाला एंगल भी इससे बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा ना, ये कहने का मतलब है। और थीटा सी की ये वैल्यू रखने के लिए मान लो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू रखना पड़ा, बता हर सी समझ में आया कि नहीं आया बता बेटा। पहले स्टूडेंट ने 60 डिग्री और 30 डिग्री पे फिट किया एंगल्स, तो उसको क्रिटिकल एंगल अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री रखना पड़ा ताकि दोनों जगह TIR हो जाए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 था। दूसरे स्टूडेंट ने 50 डिग्री और 40 डिग्री पे कट एंगल सेट किए, तो फिर क्रिटिकल एंगल अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री रखना पड़ा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 था। अब मेरे को ये बताओ μ2 बड़ा होगा या μ1 बड़ा होगा? चलो एक काम करता हूँ, इसको एक ऐसे लिख देता हूँ, θc1 लिख देता हूँ। हाँ θc1 हो गया और ये θc2 हो गया, तो तुम्हें दिख रहा होगा θc2 θc1 से बड़ा है, तो बताओ μ2 μ1 से बड़ा होगा या μ2 μ1 से छोटा होगा? बताओ θc2 नहीं, उल्टा चलता है ना बेटा, तो जो μ2 होगा वो लेस देन μ1 होगा, क्योंकि याद नहीं आ रहा साइन θc 1/μ होता है। अगर μ बढ़ता है तो θc कम होता है, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आ गया ना, तो μ2 की वैल्यू μ1 से कम है। अब मेरे को ये बताओ कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम से कम रखना था, नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कम से कम रखना था, तो बताओ फर्स्ट स्टूडेंट आंसर के ज्यादा क्लोज है या सेकंड स्टूडेंट आंसर के ज्यादा क्लोज है? हमें μ को कम से कम रखना था बेटा जी। हाँ तो इसका मतलब स्टूडेंट 2, हाँ स्टूडेंट 2 ये आंसर के ज्यादा क्लोज है, क्यों? मोर क्लोज टू आंसर, अब सबसे स्मार्ट वाला बच्चा कौन होगा सुनो, मोस्ट स्मार्ट स्टूडेंट, हाँ वो सुनो क्या है, वो ए को 45 डिग्री पे सेट करेगा, क्योंकि तुम ये देखो ना इधर ये बढ़ता जा रहा है बेटा, इधर सुनो पहले ये 30 डिग्री था, अब ये 40 डिग्री हुआ, अभी तो ये 40 हुआ, तो तुम ये वाले एंगल को बढ़ाते चले जा रहे हो, समझ में आ रहा है? ये वाले एंगल को बढ़ाते जा रहे हो, तभी तो तुम्हारा जो है म्यू कम होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा, बताओ जो है इस एंगल को बढ़ाते चले जाओगे तो म्यू की वैल्यू कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा स्मार्ट क्या करेगा, ए को 45 रखेगा, बी को भी 45 रखेगा, और जो क्रिटिकल एंगल होगा मैक्सिमम कितना बढ़ा सकता है बेटा जो है 44.9999 डिग्री एंड सो ऑन, जो अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री, ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं, मैक्सिमम तुम इसको 45 ले जा सकते हो, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको जितना एक्सटेंड कर सकते हो, इसको जितना एक्सटेंड कर सकते हो जो है उतना एक्सटेंड कर दो, म्यू उतना कम आएगा, क्यों म्यू उतना कम आएगा, तो ये 45 डिग्री तक पहुंचा दिया आपने। अब एक सेकंड बेटा, एक कॉल आ रही है थोड़ा सा।
तो ये हो गया। अब सुनो, थीटा सी को 45 डिग्री ले जाने के लिए म्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो अंडर रूट 2 होनी चाहिए। बताओ क्लियर है? आप देखो ना, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ। अब बताओ, नहीं, थीटा सी को 45 डिग्री ले जाने के लिए म्यू की वैल्यू रूट 2 होनी चाहिए। तो बस ये रूट 2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, बस हो गया। क्यों? आंसर ये हो जाएगा ना, मिनिमम वैल्यू ये रूट 2 की होगी, बस हो गया। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आई बात? थोड़ा सा कंसेप्चुअल है बेटा, जो है उज्ज्वल ये कह लो। अब इसका देखो बिल्कुल राइट आंसर बताओ, मैं तुम्हें क्या है इसका, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो सुनो। म्यू को स्लाइटली रूट 2 से ज्यादा रखो, स्लाइटली। तो जो क्रिटिकल एंगल होगा वो स्लाइटली 45 डिग्री से कम हो जाएगा, और अब ए को भी 45 डिग्री रख दो और सी को भी 45 डिग्री रख दो। इसका मतलब I1 भी 45 हो गया और I2 भी 45 डिग्री हो गया। बताओ क्लियर है कि नहीं है? तो दोनों के दोनों जो एंगल हैं, I1 और I2 दोनों वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएंगे। तो इसका मतलब M और N दोनों जगह पर TIR हो जाएगा। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तन्मय बता बेटा, जो है म्यू को थोड़ा सा रूट 2 से ज्यादा रख दो तो क्रिटिकल एंगल 45 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद ए को भी 45 कर दो और सी को भी 45 कर दो, इसका मतलब I1 I2 दोनों 45 होगा, जो दोनों क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है एम और एन दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। तो ये तो इसका पार्ट ए था। अब पार्ट बी क्या था इसका सुनो। पार्ट बी, एक कोई एक्स स्टूडेंट था, उसने म्यू को तो लिया 5/3, ए को रखा 60 डिग्री और सी को रखा 30 डिग्री, और तुमसे पूछा कि क्या TIR दोनों जगह पर होगा। TIR, हाँ, एम एंड एन बोथ, ये तुमसे पूछा कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब हमें मतलब म्यू मिनिमम से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना, पॉइंट समझ में रहा? इन दिस पार्ट हमें म्यू मिनिमम फाइंड नहीं करना, ध्यान रखना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। हम तो सीधे म्यू की वैल्यू दे दी, ए की वैल्यू दे दी और सी की वैल्यू दे दी, ये कह लो। अब क्या है सुनो, सबसे पहली बात तो इसमें जो क्रिटिकल एंगल आया, साइन क्रिटिकल एंगल, वो 1/μ, इसका मतलब 3/5, इसका मतलब 0.6 हुआ। क्लियर हो गया?
नहीं है, इस बच्चे के लिए साइन क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 0.6 आ गई। अब सुनो, साइन ए वन कितना था, साइन आई वन सॉरी, वो साइन ए रहा होगा, इसका मतलब साइन 60 डिग्री रहा होगा, मीन्स रूट 3/2 रहा होगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये इससे बड़ी है, ग्रेटर देन 0.6। इसका मतलब आई वन ये तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, क्यों, ये तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, इसका मतलब एम पॉइंट पे टी आई आर हो जाएगा, क्यों बताओ उज्जवल, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, जो है एम पॉइंट पे तो टी आई आर हो जाएगा। अब चलते हैं साइन आई टू क्या होगा बता, जो है साइन आई टू मीन्स साइन सी, साइन सी का मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मतलब 0.5। लेकिन अब ये वाली वैल्यू ये 0.6 से छोटी है, क्यों, नहीं है, ये वाली वैल्यू 0.6 से छोटी है, तो तुम कह सकते हो आई टू की वैल्यू वो क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगी, क्यों, आई टी की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगी, तो इसका मतलब एन पॉइंट पे कोई टी आई आर नहीं होगा। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बताओ उज्जवल, बता समझ में आया कि नहीं आया, एन पॉइंट पे टी आई आर नहीं होगा, एन पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम, ये तो टी आई आर के कुछ एग्जांपल्स थे, अब प्रिज्म के कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं। एग्जांपल्स ऑफ प्रिज्म, टीआईआर में वैसे बस तुम्हें ये देखना है कि एक तो डेंसर से रेयरर होना चाहिए, दूसरा उस जगह पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वहां पे अगर वो थीटा सी से बड़ा है तो फिर टीआईआर हो जाएगा, और थीटा सी से छोटा है तो टीआईआर नहीं होगा। अगली बात, साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल टू म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, ये हमें करना है, या अगर रेयरर मीडियम एयर हो तो साइन क्रिटिकल एंगल इक्वल टू 1/μ करना है। और एक चीज मैंने तुम्हें बताई कि म्यू की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे तो फिर क्रिटिकल एंगल छोटा होता जाएगा और टी आई आर के चांसेज उतने क्या होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे, इतना करना था सोचे तुम, क्यों, ये मेन गुरु मंत्र है टी आई आर। अब चलते हैं प्रिज्म के एग्जाम्पल्स, इसमें टाइप वन पे आते हैं सबसे पहले, ये तुम्हें ना इस टाइप से दिया होगा, इसको पॉलिश कर दिया होगा तुमने और इसको इक्विलेटरल प्रिज्म कह रहा है, और यहां म्यू वन है, ये म्यू टू है, और यहां पे तुम्हें दिया हुआ है एंगल आई, तो तुमसे ये पूछता है कि आई की वैल्यू कितनी है हो कि रे ऑफ लाइट ट्रेस कर ले अपना पाथ। सो दैट रे ऑफ लाइट रिट्रेसेस पाथ, तुम्हें पाथ रिट्रेस की कहानी याद है बेटा, क्या है
मैंने तुम्हें बताया था लास्ट में कहीं पे एक मिरर मिलता है हमेशा, और उसमें रे ऑफ लाइट बिल्कुल नॉर्मल गिरती है। कहानी याद आ रही कि नहीं आ रही बताओ, जो है रे ऑफ लाइट पाथ रिट्रेस करती है बताओ, जो लास्ट में एक मिरर मिलता है और उसमें रे ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए, नॉर्मल गिरनी चाहिए। तो तुम एक बार बताओ कि यहां से ये ऐसे होना चाहिए ना, देखोगे तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, क्यों तन्मय बता बता बेटा, ये जो है अब रिट्रेस करेगी कि नहीं करेगी बताओ, इस टाइप से अगर गिरेगी तो रिट्रेस कर जाएगी, क्यों नहीं है, ये ऐसे हो गई, बस ऐसे गई ऐसे आ गई। अब ट्रिग्नोमेट्री बस हो गई, यहाँ पे देखो 60 डिग्री था तो इसका मतलब ये 30 डिग्री आ गया, तो फिर ये वाला एंगल 60 हो गया, क्यों नहीं है, ये वाला एंगल 60 हो गया, तो इस जगह पे स्नेल लगा दो बस हो गया, क्यों इस जगह पे स्नेल लगा दो, स्नेल क्या बनेगा बताओ, जो है म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन 60 डिग्री, बताओ क्लियर है या नहीं है, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन 60 डिग्री, तो यहां से आई निकालना था हमें बस हो गया, क्यों यहां से आई फाइंड करना था, आई की वैल्यू जरा देखो, ये हो जाएगी साइन इनवर्स √3/2 μ2/μ1, बता हर्ष समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताइए समझ में आया कि नहीं आया कि पाथ रिट्रेस कब होता है, जो है बता, जो है पाथ रिट्रेस तब होता है जब रे ऑफ लाइट किसी मिरर में क्या गिरे, नॉर्मल गिरे बस हो गया। अच्छा इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकता था, देखो मैं जैसे यहां पे ना नॉर्मल गिर रही है, क्यों, और तुम्हें याद है यहां पे जो एंगल बनता था वो R2 बनता था, तो R2 0 डिग्री बनेगा ना उज्जवल, बता 90 डिग्री का मतलब क्या है, बता नॉर्मल गिरने का मतलब क्या है, R2 की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी, और उसके बाद फिर यहां पे जो आता है एंगल, ये वाला एंगल याद है R1 आता है, क्यों ये एंगल R1 होता है, और R1 की वैल्यू A-R2 होगी ना, नहीं है, R1 की वैल्यू A-R2 होगी, और A हमारा है 60 डिग्री -0 डिग्री, तो अल्टीमेटली 60 डिग्री तो आ गई ना, कोई जियोमेट्री तो है चल में देखा जाए तो, क्यों ये होता है, तो Type 1 तो ये आ गई। अब चलते हैं Type 2 में, इसमें कुछ ऐसे मान लो कि ये ये 45 डिग्री है और इसका म्यू दिया हुआ है √2, तो तुम्हें इसमें टोटल डेविएशन निकालना है, ठीक, और एक काम कर लेते हैं इसको 75 डिग्री मान देते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, टोटल जो डेविएशन होता है तुम्हें याद है वो ये होता था I1 + I2 - A, बताओ टोटल डेविएशन ये होता है कि नहीं होता, तो जो है I1 + I2 - A के इक्वल, क्यों ये हो गया। अब सुनो I1 की वैल्यू तो यहां पे 45 डिग्री दे रखी है और A की वैल्यू यहां पे 75 डिग्री दे रखी है,
इसका मतलब अगर मैं आई टू निकाल लू तो मेरा डेविएशन पता चल जाएगा, बताओ क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। डेविएशन का फॉर्मूला होता है आई वन प्लस आई टू माइनस ए, इसमें से आई वन तुम्हें 45 डिग्री दे रखा है, ये आई वन हो गया, ए तुम्हें 75 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब अगर मैं आई टू बता दूं तुम्हें तो डेविएशन पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बताओ उज्ज्वल बता, आई टू अगर मैं बता दूं तो डेविएशन पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बता जो है, ये हो गया। अब आई टू तुम्हारा तीन स्टेप्स में निकल जाता है, बस हो गया। आई टू के लिए आपको तीन स्टेप्स लगेंगे, बताता हूं कैसे, देखो। अब वो अलग बात है कि मैंने वैल्यू जैसे रखी है कि थोड़ा शॉर्टकट हो गया है अंदर। स्टेप वन क्या है, हाँ, म्यू इक्वल टू साइन आई वन अपॉन साइन आर टू से, साइन आई वन अपॉन साइन आर वन से, पहले आर वन फाइंड कर लो, पीयू समझ में आ रहा बेटा, ये हो गया। स्टेप टू, आर टू इक्वल टू ए माइनस आर वन से आर टू फाइंड कर लो, और लास्ट में म्यू इक्वल टू साइन आई टू अपॉन साइन आर टू से, आर आई टू फाइंड कर लो, बताओ स्टेप समझ में आए कि नहीं आए। उज्ज्वल उज्ज्वल बाबू बताओ बेटा, जो है ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले आर वन करो फिर आर टू निकालो और लास्ट में आई टू निकालो। अरे इस पे मेरे को एक बचपन की बात याद आ गई ना, क्या हुआ तुम्हारा जो छोटा गुरु भाई है, जब छोटा था, बहुत छोटा जो है ना, तो स्कूल जाने में रोते नहीं बेटा, बच्चे रोते हैं जो है ना, मैंने कहा जा जा बेटा तू जो है ठीक है, तो शेर के बच्चे, मैंने कहा तू शेर का बच्चा, और शेर का बच्चा कभी रोता है जो है ना, कह रहा हाँ पापा शेर का बच्चा रोता तो नहीं है लेकिन वो स्कूल भी तो नहीं जाता जो है, हाँ कहने लगा स्कूल भी तो नहीं जाता वो जो है ठीक। तो ये हो गई, बस ये कह रहे जो है। अब यहाँ पे मैंने तुमसे कहा कि मैंने थोड़ा वैल्यूज थोड़ा सिंपल दे रखी थी, तो वो तुम सीधे सीधे निकाल सकते हो, कैसे देखो बता रहा हूँ, वैल्यू सिंपल कैसे दे रखी है देखो, ये 45 डिग्री है, ये रूट टू है, तो तुम्हें याद है मीडियम के अंदर जो एंगल बनता था नहीं नहीं ये तो मजाक की बात है, जोक था बेटा, तो तेरे को याद है ये वाला एंगल 30 डिग्री बनता था, बता याद है कि नहीं है, ये बता लग रहा है कि नहीं लग रहा बेटा, ये बता जो है अगर एक एंगल 45 डिग्री है और एक एंगल ये रूट टू है, तो तेरे को याद है ये 45 डिग्री आता था बेटा जो है, ये 45 आ गया। उसके बाद सुन, ये वाला एंगल फिर आर टू वो ए माइनस आर वन, इसका मतलब 45 डिग्री होगा, तन मैं बताते हुए चलना बेटा जो है, ये 45 डिग्री होगा ठीक। और एक चीज और, म्यू की वैल्यू अगर रूट टू है तो इस केस में क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री आएगा, क्यों नहीं, तो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री होगा, इसका मतलब ये जो आर टू है, जो ये 45 डिग्री आ चुका है, ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, क्यों ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल आ गया। और तुम्हें याद होगा जब मीडियम के अंदर क्रिटिकल एंगल बनता है तो एयर में फिर 90 डिग्री बन जाता है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये ऐसे निकलेगी रे ऑफ लाइट, अर्थ जरा बता बेटा ये समझ में आया, राइट ऐसे निकल जाएगी, इसका मतलब ये वाला जो एंगल आई टू होगा वो 90 डिग्री होगा, फिर बताओ ये पूरी सीक्वेंस समझ में आई कि नहीं आई, ये पूरी सीक्वेंस समझ में आ गई कैसे होगा बेटा जो है।
ये हो गया, तो इसका मतलब फाइनली डेल्टा कितना हो गया बता, जो है डेल्टा की वैल्यू हो गई आई वन का मतलब 45 डिग्री, आई टू का मतलब 90 डिग्री और ए का मतलब 75 डिग्री। क्यों 75 डिग्री? तो डेल्टा 60 डिग्री आ गया, ये आंसर। ये तो दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे बनती हैं कि अगर तुम्हें टोटल डेविएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, और मैंने कहा टोटल डेविएशन में आई टू निकालना होता बस, और आई टू को तुम इन तीन स्टेप से निकालना। अब वो एक अलग बात है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज थोड़ा सिंपल करके दे रखी थी। अब चलते हैं टाइप थ्री किस टाइप की होंगी, सुनो। ये दिया हुआ है 2 डिग्री और लाइट कुछ ऐसे पड़ रही है, तो ये थोड़ा ऐसे डेविएट होके ऐसे कुछ आएगी ना, देखोगे तो इस टाइप का कुछ पाथ रहेगा। और अब मैं क्या करता हूं कि एक मिनट, मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करता हूं, रोटेट थीटा, और इसका जो म्यू दे रखा है वो 1.5 दे रखा है, ये पी पॉइंट है। तो पहले पार्ट में तुमसे पूछता है कि थीटा कितना होगा, कि रे ऑफ लाइट वो पाथ रिट्रेस करे, और मैंने तुम्हें बताया था पाथ रिट्रेस की एक ही कंडीशन होती है कि कहीं ना कहीं मिरर मिलना चाहिए और लाइट को उस पर नॉर्मल गिरना चाहिए, ये मैंने पहले तुम्हें बता रखा है कई बार, अभी आया भी था थोड़ी देर पहले। ठीक, अब सुनो क्या है यहां पे, तुम्हें देखो ए तो बहुत छोटा दिख ही रहा होगा, वेरी स्मॉल, तुम्हें आई वन ये भी बहुत छोटा नहीं दिख रहा, बताओ बताओ एक बात बताओ, आई वन यहां पे आता है ना बेटा, इस जगह पे आई वन आता है, अच्छा वो 2 डिग्री है, सॉरी, ये 2 डिग्री है। अब बताओ ये बताओ, ए तुम्हें बहुत छोटा दिख रहा होगा और आई वन भी तुम्हें बहुत छोटा दिख रहा होगा, क्योंकि इस जगह पे जो आई वन है ये अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस है ना, बता तन में, ऑलमोस्ट नॉर्मल इंसिडेंस है, ऑलमोस्ट कह रहा हूं मैं, ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले ये बताओ, कि ए तो चलो छोटा दिख ही रहा होगा, तुम्हें आई वन भी छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, जो आई वन भी छोटा दिख रहा है ना, और जब ए और आई वन दोनों छोटे होते हैं
तो उस समय तुम्हें याद है डेविएशन का एक फॉर्मूला हो जाता था सीधे सीधे म्यू माइनस वन इंटू ए। बताओ डेविएशन का एक फॉर्मूला होता था या नहीं होता था, म्यू माइनस वन इंटू ए ये होता था। अब म्यू मैंने दे रखा है 1.5 और ए मैंने दिया हुआ है 2 डिग्री, तो इसका मतलब डेविएशन आ गया 1 डिग्री। बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्यों ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। जो है ये हो गया। अब सुनो डेविएशन 1 डिग्री होने का मतलब क्या है वो भी देखो। रे ऑफ लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था वो ये था, इसका मतलब यहां से ये वाली रे जब बाहर निकली बेटा ये रे, तो ये 1 डिग्री डेविएट करेगी। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। जो है कि ये यहां से अपने पास से कितना डेविएट कर गई, 1 डिग्री डेविएट कर गई। अब सुनो अगर प्रिज्म नहीं रहा होता, नो प्रिज्म, तो रे ऑफ लाइट सीधे पाथ रिट्रेस कर ही रही थी ना, ऐसे नहीं कर रही थी बता, ये ऐसे गई तो ऐसे आ रही थी, पाथ वैसे ही रिट्रेस हो रहा था। तन्मय समझ में आ रहा बेटा, अगर प्रिज्म नहीं होता तो वैसे ही पाथ रिट्रेस हो रहा था। अब विद प्रिज्म अब रे ऑफ लाइट क्या हो गई है, थोड़ी सी मुड़ गई है बेटा। जो है देख ध्यान से देखा, अब ये ऐसे हो गई है, इसका मतलब ये इधर को 1 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है। तो एक बात बता कि अगर मैं मिरर को भी 1 डिग्री क्लॉकवाइज कर दूं तो वो फिर से नॉर्मल नहीं गिर जाएगी बताओ। जो है ये बता, जो इंसिडेंट रे है वो 1 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है, तो मिरर को भी आप 1 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो वो अगेन नॉर्मल नहीं गिर जाएगी बताओ। अगेन नॉर्मल, तो इसका मतलब पाथ रिट्रेस हो जाएगा। इस पार्ट का आंसर क्या आ गया, अगर तुम देखोगे इस पार्ट का आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया कि थीटा जो होना चाहिए वो 1 डिग्री क्लॉकवाइज होना चाहिए। बस हर्ष बता बेटा समझ में आया कि नहीं आया। ए और I1 दोनों छोटे थे तो मैंने डेविएशन का फॉर्मूला लिख लिया म्यू माइनस वन इंटू ए, इसका मतलब 1 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज। दूसरा अगर प्रिज्म नहीं आता तो वैसे ही वो पाथ रिट्रेस कर रही थी, प्रिज्म ने लाइट को क्या किया, 1 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो फिर आप मिरर को भी 1 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो तो फिर से नॉर्मल गिरनी शुरू हो जाएगी और पाथ क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। तो ये तो पार्ट ए था। अब चलते हैं पार्ट बी। अब ये यहां पे ना इधर को आती क्यों, जैसे तुम देखो ये 1 डिग्री है तो फिर ये 1 डिग्री रहा होता और ये भी 1 डिग्री होता क्यों, और इसको एम कह लो। अब तुमसे कहता है कि थीटा और इसको एन कह लो, ठीक है, थीटा कितना हो कि जो पी एन रे है वो पीएम की डायरेक्शन में आ जाए। तो बी पार्ट में ये कहता है थीटा कितना हो कि जो पी एन रे है कम्स
इन द डायरेक्शन ऑफ पीएल पीएल अब ध्यान से देखना हाँ इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस वाली रे को इधर को टर्न कर देना है वन डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना है बताओ क्लियर है कि नहीं है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है रिफ्लेक्टेड लाइट उसको मुझे टर्न करना है वन डिग्री क्लॉकवाइज इसका मतलब जो मिरर को होना चाहिए मुझे 0.5 डिग्री क्लॉकवाइज अगर कर दूं तो काम चल जाएगा बताओ क्लियर है कि नहीं है तन में बता बेटा जो है मुझे इस वाली रे को ऐसे टर्न कर देना है इसका मतलब मुझे रिफ्लेक्टेड रे को 1 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर देना है तो मेरे को मिरर को 0.5 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करके काम चल जाएगा पुराना रिजल्ट है तुम्हें याद होगा बेटा जो है नहीं तुम्हें पुराना रिजल्ट है याद होगा तो इसका मतलब बी पार्ट का जो आंसर होगा बी पार्ट का आंसर होगा थीटा की वैल्यू 0.5 डिग्री क्लॉकवाइज ये आंसर होगा तुम्हें याद नहीं कि मिरर को अगर थीटा घुमाते थे तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती थी वो 2 थीटा घूम जाती थी पीयूष बता याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा बता जो है कि मिरर को अगर तुम थीटा घुमाते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाती है 2 थीटा घूम जाती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उस रिजल्ट को मैंने यूज किया तो यहाँ पे यह ठीक है टाइप 3 हो गया अब चलते हैं टाइप 4 टाइप 4 देखो क्या होती है इसमें ना थोड़ा सा ऐसे दिया होगा तुम्हें ये 45 डिग्री है और ये √2 है और इधर ले लेता हूं एंगल ए इक्वल टू थोड़ा सा सोच लेता हूं 100 डिग्री ले लेता हूं चलो तो तुम्हें टोटल डेविएशन निकाल अब सुनना हाँ इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे करोगे आप ये बताओ कि म्यू की वैल्यू अगर √2 है तो पहली बात तो थीटा सी 45 डिग्री आता है क्यों एक तो ये होता है दूसरा ये 45 है और ये √2 है तो इसका मतलब जो R1 होगा वो 30 डिग्री होगा बताओ क्लियर है कि नहीं है तन्मय बताओ बेटा क्लियर है कि नहीं बता जो है ये 30 डिग्री होगा तीसरा इसका मतलब जो R2 होगा वो A-R1 मीन 70 डिग्री होगा मेरे ख्याल से यहां से भी ये भी क्लियर होगा
अब लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है बेटा, ठीक है ना। अब कहानी में क्या ट्विस्ट है वो सुनो। ए की वैल्यू 100 डिग्री दे रखी है और ये जो ए है ये 2 थीटा सी से बड़ा है। तो तुम्हें याद है अगर ए ग्रेटर देन 2 थीटा सी हो तो फिर यहां पे हर केस में TIR हो जाता है। बताओ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब एसी सरफेस में TIR हो जाएगा। ये पॉइंट किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो बताओ बेटा कि अगर ए की वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ी हो जाए, क्यों ए की वैल्यू 2 थीटा सी से बड़ी हो जाए तो एसी पे हमेशा क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब हमें इसका पूरा जो है प्रॉपर रे ऑफ लाइट का पाथ देखना पड़ेगा। कहानी में बस यहीं पे ट्विस्ट था। तो इसका मतलब ये ऐसे गिरा, ये तो हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री। तो इसका अंदर 20 हो जाएगा, ध्यान रखना बेटा। और ये फिर 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। जो है ये हो गया तो यहां पे हमें TIR कर देना है, यहां पे कर देना TIR। इसका मतलब ये आ गया, देखो ये 70 डिग्री हो गया तो फिर ये आ गया 20 डिग्री। और मान लो ये भी तुम्हें 30 दिया हुआ है और ये वाला एंगल मान लो 50 डिग्री दिया हुआ है, ये दे रखे हैं ध्यान से देखें। तो इसका मतलब ये हुआ देखते भी चलना बेटा जो है यहां पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने तो वो आ गया 50 130। इसका मतलब ये 40 डिग्री हुआ, बता ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एंगल्स क्लियर हुए कि नहीं हुए बताओ। तन्मय बता बेटा कोई एंगल्स क्लियर हुए कि नहीं हुए बता। जो है ये 40 डिग्री हो गया और यहां पे जब ये जाएगा तो ये थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, क्यों ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। और इसको कुछ भी कह देता हूं, इसको मान लो मैं थीटा कह देता हूं। तो ये बताओ यहां पे स्नेल्स लॉ लगा के मतलब √2 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन 40 डिग्री ये अप्लाई करके तुम थीटा निकाल सकते हो, बताओ। वहां पे तुम्हें ऐसी वैल्यूज नहीं दी होंगी, चिंता मत करो वहां पे ऐसी वैल्यूज नहीं दी होंगी। तो ये बताओ √2 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन साइन 40 डिग्री लगा के तुम थीटा फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो मैं अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, स्नेल्स लॉ कभी तो मैं लगा दे रहा हूँ मी इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर मतलब साइन बड़ा एंगल अपॉन साइन छोटा एंगल, और कभी मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ मी वन साइन आई वन इक्वल टू मी टू साइन आई टू। दिमाग में अच्छी तरीके से क्लियर है ना कि कहाँ पे कौन सा लगाना है, TM क्लियर है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से। कभी तो हम लगा दे रहे हैं मी इक्वल टू साइन बड़ा एंगल अपॉन साइन छोटा एंगल, ये तो तब लगाओगे जब रेयर मीडियम क्या हो एयर हो, और अगर रेयर मीडियम एयर नहीं है तो फिर ओरिजिनल लॉ लगाओगे म्यू वन साइन आई वन इक्वल टू म्यू टू साइन आई टू, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से फिगर क्लियर होगी, ये वाली फिगर तुम्हें क्लियर होगी, क्यों अब सुनो। तो पीयूष भाई ऐसे चलती है कहानी, समझ गया। अब देख इस पॉइंट को मान लो मैं कहता हूं 1, इस पॉइंट को कहता हूं 2,
इस पॉइंट को कह देता हूं थ्री। अब तो एक बात बता कि वन पे क्लॉकवाइज डेबिट हो रही है, टू पे भी क्लॉकवाइज डेबिट हो रही है और थ्री पे एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन हो रहा है। बता क्लियर है कि नहीं है, फिगर में देखना जरा। वन पे क्लॉकवाइज डेबिट हो रही है, टू पे क्लॉकवाइज डेबिट हो रही है, देखते हुए चलना। और थ्री पे एंटी क्लॉकवाइज डेबिट हो रही है। बता क्लियर है कि नहीं है बेटा। बता जो है वन पे क्लॉकवाइज, टू पे क्लॉकवाइज और थ्री पे एंटी क्लॉकवाइज, जरा देखना डेविएशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये इधर को मुड़ गई, फिर ये इधर को मुड़ गई, लेकिन फिर उल्टा हो गई बेटा जो है, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो इसका मतलब टोटल जो डेविएशन लिखोगे आप, टोटल जो डेविएशन लिखोगे वो लिखोगे डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू माइनस डेल्टा थ्री क्लॉकवाइज। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इसमें अगर कोई भी डाउट है तो बोल दो बेटा जो है। ये हो गया। अब चलते हैं डेल्टा वन कितना होगा। सुनो, डेल्टा वन डेविएशन कितना होगा। हाँ देखो, यहां पे ना पहले रे ऑफ लाइट 45 डिग्री का एंगल बना रही थी नॉर्मल से, और बाद में 35 डिग्री का बना रही है। तो इसका मतलब यहां पे डेविएशन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री होगा। ये होगा। अब यहां पे आ जाओ डेल्टा थ्री पे। पहले ये 40 डिग्री बना रही थी नॉर्मल से, और बाद में ये थीटा बना रही है नॉर्मल से, लेकिन थीटा बड़ा होगा, थीटा एंगल बड़ा होगा बिकॉज एयर में है। तो इसका मतलब यहाँ पे वो थीटा माइनस 45 डिग्री हो, 40 डिग्री होगा। बताओ ये दोनों डेविएशन समझ में आए। तन्मय पहले ही बता, ये दोनों डेविएशन समझ में आए। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री पहला होगा और थीटा माइनस 40 ये होगा। अब चलते हैं थीटा डेल्टा टू। एक्चुअल में यहां पे जो होगा ना, देख ऐसे था बेटा, ये ऐसे जा रही थी और ये ऐसे हो गई। फिर तो देखा जाए तो ये डेविएशन होगा, ये ध्यान रखना। पहले ही बताओ ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो बताता हूं। रे ऑफ लाइट कहीं ऐसे गिर रही थी, इसका मतलब ये था, और फिर ये ऐसे आ गई। तो इसका मतलब ये डेविएशन डेल्टा टू होगा। पहले बताओ ये क्लियर है कि नहीं है, बताओ। बताओ ये वाला डेविएशन क्लियर है कि नहीं है। ये हो गया। अब ये बताओ ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल आएगा वो 40 डिग्री आएगा। देखना जरा, तन्मय जरा चेक कर बेटा, वो 70 डिग्री है, वो 70 डिग्री है, इसका मतलब वाला डेविएशन कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा। तो यहां पे इसको ये रख दो, 40 डिग्री रख दो, ये 40 डिग्री आ गया। तो फाइनली आंसर कितना हो गया, देखो 15 इधर से आया और 40 वो आ गया 55, 15 डिग्री माइनस थीटा, मेरे ख्याल से इतना आ रहा है, देखना जरा, नहीं सॉरी 95 डिग्री माइनस थीटा क्लॉकवाइज इतना आ रहा है मेरे ख्याल से, चेक करना। पीयूष देख जरा, 95 डिग्री माइनस थीटा इतना क्लॉकवाइज ये आएगा।
और थीटा मैंने तुम्हें बता दिया, थीटा तुम फाइनली कैसे निकाल लोगे। तो मेनली जो प्रिज्म में प्रॉब्लम्स बनती हैं वो बेटा इस टाइप से बनती हैं, कुछ ध्यान रखना, समझ गए ना। प्रिज्म में इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम बनती है, ये कर सकते। तो ये हमारा प्रिज्म भी हो गया कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक रह जाता है डेविएशन, और उसके बाद जो रह जाएगा वो फ्रिंज टॉपिक्स में पढ़ाता हूँ बेटा, समझ गए ना। इसके बाद वाले टॉपिक में भी अगर कुछ रह जाता है तो उसको मैं पढ़ाता हूँ फ्रिंज टॉपिक्स में, क्योंकि वो थोड़ा याद करने वाला है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक डेविएशन। सबसे पहला रिफ्लेक्शन में, डेविएशन सिंपल होता है 180 माइनस 2i। जैसे यहाँ पे हमने किया भी था, देखो ये जो 40 डिग्री निकला यहाँ पे, अगर चेक करो तुम 180 डिग्री माइनस 2i और i को 70 डिग्री रखा था, बताओ ये 40 डिग्री इस फॉर्मूले से आया था कि नहीं आया था, सर मैं बता। रिफ्लेक्शन में जो डेविएशन होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री माइनस 2i, ये होता है। फिगर में भी देख लो कैसे, देखो जैसे तुम एक चीज देखो ना, ये मान लो आई पे गिरा तो फिर ये आई पे इधर आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल पाथ तो ये था ना एक्चुअल में। जैसे हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ही निकालते बेटा, जो है तो डेविएशन ये बना देखो, और ये डेविएशन कितना आ गया बताओ, 180 डिग्री माइनस 2i, बता उज्जवल समझ में आया कि नहीं आया। डेविएशन का फॉर्मूला हो गया 180 डिग्री माइनस 2i आ गया। अब यहां पे देखो क्या क्या बातें हैं, इसका मतलब डेविएशन वर्सेस i ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनेगी बताओ, ये बताओ डेविएशन वर्सेस i ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन होगी, एक तो ये हो गया, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कह सकता स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही ना बेटा, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब आता है जब वो ओरिजिन से पास होती है, अर्थ स्ट्रेट लाइन है लेकिन। हाँ दूसरी बात, जब i की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो जरा देखना डेविएशन 180 डिग्री आ रहा होगा, बताओ i की वैल्यू जिस टाइम पे 0 डिग्री होगी उसमें डेविएशन 180 डिग्री होगा, और i की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब होता है नॉर्मल इंसिडेंस, क्यों बताओ, आई की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब नॉर्मल इंसिडेंस होता है, और ये तुम्हें लॉजिकल भी लग रहा होगा। देखो कैसे लाइट जब ऐसे गिरी तो ये ऐसे वापस हो गई, बताओ डेविएशन 180 डिग्री हुआ या नहीं हुआ, हर्ष बता, जब आई की वैल्यू 0 डिग्री है तो डेविएशन उसमें तेरे को 180 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता जो है, ये हो गया, ये तो मैंने यहां से निकाला था वैसे ना, ये हो गया। और एक चीज और, जब i की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि i की रेंज 0 डिग्री से 90 डिग्री होती है, क्यों i की रेंज ही होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो उस समय जो डेविएशन होगा वो जरा यहां पर रख के देखो, 90 डिग्री अगर मैं रख दूं तो कितना आ रहा है जरा देखो, उस समय डेविएशन 0 डिग्री आ रहा होगा। और तुम्हें याद है आई की वैल्यू जब 90 डिग्री होती है तो उसको हम ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं,
याद है ना, काई की वाली जब ये होती है तो उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। और इसको भी फिगर में देख लो, ये नॉर्मल है, तो इसका मतलब लाइट ऐसे गिर रही है कुछ, तो एक तरीके से वो सीधी निकल जाएगी। और क्या क्यों, तो बताओ इसमें तुम्हें डेविएशन 0 डिग्री दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताओ तन में बता, दोनों में डेविएशन समझ में आया कि नहीं आया। ग्रेजिंग इंसिडेंस ये हो गया ना, ये वाला हो गया बेटा, आई इक्वल टू 90 डिग्री, ये कह रहे हो। तो अगर मैं डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ बनाऊं तो वो फिर इस टाइप से होगा, ध्यान रखना ये होगा बेटा। जैसे तो ये देखना, जिसमें आई की वैल्यू 0 डिग्री है उसमें जो डेविएशन है वो 180 डिग्री है, और जिसमें आई की वैल्यू 90 डिग्री है उसमें डेविएशन 0 डिग्री है। अब बताओ ग्राफ समझ में आ गया, उज्ज्वल बता बेटा, जो है जिसमें आई 0 डिग्री है उसमें डेविएशन 180 डिग्री, और जिसमें आई की वैल्यू 90 डिग्री है उसमें डेविएशन कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, तो रिफ्लेक्शन में तो ये आ गया। अब दूसरा चलते हैं, एक पुराना रिजल्ट नोट कर लेते हैं, ठीक है। पुराना रिजल्ट कि दो प्लेन मिरर्स 90 डिग्री पे होंगे, टू प्लेन मिरर्स एट 90 डिग्री, तो बताओ डेविएशन कितना आता था, 180 डिग्री। क्यों नहीं है, दो प्लेन मिरर्स अगर 90 डिग्री पे हो तो डेविएशन कितना आता था, 180 डिग्री। तीसरा, अब चलते हैं प्रिज्म में, प्रिज्म में डेविएशन के मैंने दो फॉर्मूले दिए हैं। क्यों, एक तो दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए, ये तो जनरल फॉर्मूला है, और दूसरा मैंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। लेकिन ये कब बताओ, ये कब होता है बताओ, जो प्रिज्म में ये वाला फॉर्मूला कब आता है, जब ए और आई वन क्या हो, ए एंड आई वन ये स्मॉल हो, बस मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, क्यों समझ गया ना, प्रिज्म में ये दो डेविएशन के होते हैं। अब चलते हैं फोर्थ, ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम होती थी जिसको मैंने एक केस टाइप का बना दिया। इसमें क्या होता है ना, ये स्फीयर है, यहां पे लाइट मान लो आई एंगल पे गिरी, फिर ये ऐसे आ गई, ये एंगल आ रहा है, फिर ये बाहर आ गई, तो इसमें जो डेविएशन आता है ना वो आता है 2 times आई माइनस आर। समझ में आया, इसमें जो डेविएशन आएगा 2 times आई माइनस आर आएगा। अब वो देखो कैसे, एक बात बताओ कि ये दोनों के दो जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास होंगे ना, ये और ये दोनों बताओ सेंटर से पास होंगे कि नहीं होंगे, ये हो गया। अब ये बताओ ये साइड और ये साइड इक्वल है, नहीं ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी आर हो जाएगा, और अगर स्फीयर के अंदर एंगल आर है तो फिर ये वाला जो एंगल होगा ये आई बनेगा, बताओ क्लियर है।
पॉइंट समझ में आ रहा बेटा जो है कि अगर स्पेयर के अंदर एंगल आर है तो बाहर क्या बनेगा, आई बनेगा। अब ये बताओ ये वन है ये टू है, तो वन और टू दोनों जगह तुम्हें क्लॉकवाइज डेविएशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले बताओ बताओ वन और टू दोनों जगह तुम्हें क्लॉकवाइज डेविएशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा बताओ, जो है क्लॉकवाइज है। इसका मतलब जो टोटल डेविएशन होगा वो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू होगा, और यहां पे कितना डेविएशन होता बताओ, जो है बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल आई माइनस आर, और यहां भी कितना होगा प्लस आई माइनस आर, बताओ ये समझ में आया या नहीं आया पीयूष ये बताओ बेटा जी, ये समझ में आया कि नहीं आया। वन पे भी डेविएशन आई माइनस आर होगा और टू पे भी डेविएशन आई माइनस आर होगा, तो इसका मतलब टोटल डेविएशन कितना हो गया टू टाइम्स आई माइनस आर, ये हो गया स्फीयर का ये वाला केस हो गया। और एक लास्ट और चलते हैं, रिफ्रैक्शन में अब तुम एक चीज देखो ना, जैसे ये मान लो आई है, ये हम कर भी रहे हैं काफी देर से कर रहे हैं, अगर तुम देख रहे हो ना ये जैसे आई है मान लो, अरे बेटा तू क्या करता है बेटा, ये लिखेगा ना म्यू इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ये रिलेशन है साइन बड़ा एंगल अपॉन साइन छोटा एंगल, ये रिलेशन है। अब बता अर्थ आई और आर में जो रिलेशन है वो ये है बस, ओके म्यू इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, नहीं वो कुछ नहीं है इसमें, कुछ ऐसा नहीं बस यही है बस, हो गया समझ गए ना, इसमें यही रिलेशन है और कुछ नहीं, उनमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं। अब सुनो, अब ये तो रिफ्रैक्शन में हम आते हैं, ये एंगल आई है मान लो, और ये मान लो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो गया, ये आर है, तो ये वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले कि लाइट ऐसे चलेगी सीधे ना, ये ओरिजिनल पाथ ये था क्यों, तो डेविएशन ये बना एक तरीके से, ये हम कर रहे हैं ना काफी देर से, ये डेविएशन बना और ये वाला एंगल पूरा एंगल आई है, तो बताओ डेविएशन इक्वल टू बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, बताओ ये है कि नहीं है, तन्मय बता आई ग्रेटर देन आर, ये हो गया डेविएशन, क्या हो गया आई माइनस आर, ये हम कर भी रहे ना काफी समय से यही तो कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि इसमें डेल डेल्टा आई और आर तीन वेरिएबल हो गए, समझ गए ना, तीन वेरिएबल हो गए, तो अगर तुम्हें डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ ड्रॉ करना है, मान लो डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, आर को ये लिख लेना, देखो साइन इनवर्स, बेटा का है साइन इनवर्स साइन आई अपॉन म्यू, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया तन्मय, उस इक्वेशन में तीन वेरिएबल आ गए डेल्टा आई और आर, क्यों डेल्टा आई और आर, तो आर को तुम सबसे पहले ऐसे लिख लोगे साइन इनवर्स
साइन आई अपॉन म्यू, म्यू इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आई से। तो इसका मतलब अब इक्वेशन क्या बनी, डेल्टा इक्वल टू आई माइनस साइन इनवर्स, साइन आई अपॉन म्यू। चलो अब तो दो वेरिएबल रह गए सिर्फ, लेकिन तुम मेरे से एक चीज पूछोगे, तुम कहोगे सर आपने तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इक्वेशन तो बड़ी कॉम्प्लेक्स आ गई, मैं कैसे ड्रॉ करूं। हाँ कर तो दिया आपने, काम आसान नहीं मुश्किल कर दिया। इक्वेशन क्या बन गई बता जो है इक्वेशन, हाँ इक्वेशन तो कॉम्प्लेक्स बन गई। तुम तो मेरे से ये कहोगे सर आप पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो, ये जो है अच्छा खासी इक्वेशन थी, डेविएशन इक्वल टू आई माइनस आर, सिंपल सी लग रही थी इक्वेशन, है ना, इससे बढ़िया तो वही इक्वेशन सही थी जो है। हाँ आपने तो ये और कॉम्प्लेक्स कर दिया बेटा जो है। तो ये मैंने पहले कभी तुम्हें बताया होगा कि कई बार ना जब कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाती है बेटा जो है और तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, तुम्हें ये मैंने पहले बताया हुआ कि कभी अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाती है और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा होता है तो फिर कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, फाइंड सम कोऑर्डिनेट्स। जहां से ग्राफ को पास होना चाहिए और फिर एक रफ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हो, ड्रॉ रफ ग्राफ। ये जब मैं कल तुम्हें एग्जांपल कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगी बात, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। रिफ्लेक्शन में सिंपल सा फॉर्मूला था डेल्टा इक्वल टू आई माइनस आर, वो सिंपल तो था लेकिन तीन वेरिएबल थे तो उसको मैं दो वेरिएबल में लिया है, लेकिन वही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई और ये फिजिक्स में कई बार आती है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। तो फिर हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं बेटा नहीं है कि ग्राफ कहाँ से पास होगा, उनमें से बेस्ट ऑप्शन देख लेते हैं। और एक छोटा सा नोट पॉइंट, अगली बार एक प्रॉब्लम करवाऊंगा उसके बाद फिर हमारा रे ऑप्टिक्स हो जाएगा खत्म। इन जनरल अगर आप देखोगे ज्यादातर केसेस में, हाँ डेविएशन जो रिफ्लेक्शन में होता है वो रिफ्रैक्शन से बड़ा होता है, और ये तुम प्रैक्टिकली भी देख सकते हो ना। जैसे तुम एक बार बताओ ये है, ये तो हो गया रिफ्लेक्शन और ये हो गया रिफ्रैक्शन, ये वन है ये टू है, तो बताओ कौन सी रेज ज्यादा डेविएट हो रही है तुम्हें, कौन सी रेज ज्यादा डेविएशन लग रहा है बताओ तुम्हें, तुम्हें वन में ज्यादा डेविएशन लिख रहा है या टू में ज्यादा डेविएशन दिख रहा है बताओ, कौन रे लग रहा है कि ज्यादा डेविएट हुई है, वन ज्यादा हुई है ना बेटा जो है। तो डेविएशन इन वन ग्रेटर देन डेविएशन इन टू, ये तुम्हें आराम से दिख रहा होगा, क्यों नहीं है, तो बस ये ध्यान रखना। तो इन जनरल क्या होता है कि रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन में क्या होती है, ज्यादा डेविएट होती है। अब अगली बार मैं एक प्रॉब्लम कराऊंगा उसके बाद रे ऑप्टिक्स हो जाएगा खत्म, फिर वे ऑप्टिक्स शुरू होगा, तो इसको टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी में डाल देते हैं। चलो बाकी थैंक यू एंड गुड।